बाद जो विपक्ष है बिहार का, वो पिछले पौने दो ढाई महीने से लगातार सुषुप्त अवस्था में था, लेकिन अब विभिन्न दलों में, खासतौर पे महागठबंधन के दलों में सक्रियता आ गई है। इस बीच वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने आज एक पटना में बैठक की अपने कार्यकर्ताओं की, और उसके बाद इसने अपने लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए। इस लक्ष्य के तहत विकासशील इंसान पार्टी ने 50 लाख सदस्यता अभियान चलाना की शुरुआत की है, और कहा है कि अगले एक हफ्ते में हम इस पे ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी शुरू कर देंगे, और हमारा लक्ष्य है कि हम 50 लाख सदस्य बनाएं। सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने 50 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा है, जबकि वहीं पे मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि वो 50 लाख सदस्य बनाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी एक कठिन लक्ष्य को लेकर के चलना चाह रही है, लेकिन लक्ष्य रखना अच्छी बात है। आइए हम देखते हैं कि मुकेश सहनी ने क्या कहा। आज पार्टी का पूरे बिहार में 3800 जिला के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो आने वाले समय में बूथ से लेकर और प्रदेश जिला तक का जो भी कमेटी है, सदस्यता अभियान है और भी जो कार्य है, उसके लिए आज हम लोग पूरे बिहार से हमारे पार्टी के मुख्य पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उसमें से मुख्य पदाधिकारी को अलग अलग जिला में प्रभारी बनाया गया है, जो उस जिला में हॉल टाइमर वहाँ पे रहकर खाना पीना खा कर वहीं पे रहकर वहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों ने बात रखा है, और सब आदमी सारे व्यवस्था लेके यहाँ से निकलेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जाके जहाँ का जो प्रभारी बने वहाँ पे मजबूती से संगठन को विस्तार करेंगे, क्योंकि 2020 बहुत नज़दीक है और उसके लिए हम लोग मजबूती से विधानसभा चिन्हित करके और अभी से हम लोग लग गए हैं, और अपने संगठन को हम लोग पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने। लोगों ने अभी हमारे जो ऑनलाइन सदस्यता जो अभियान है वो एक हफ्ते के अंदर में हम लोग लॉन्च करेंगे, और अभी हमारे तो आजीवन सदस्य बनाने का जो कार्य हमने प्रभारी को दिया है कि पूरे बिहार में 10,000 आजीवन सदस्य बनाया जाए, जिसपे मुख्य लोग जो होंगे, जो दिन रात खटने वाले, ऐसे लोगों को आजीवन सदस्य बनाया जाए। ऐसे किसी को भी आजीवन सदस्य नहीं बनाया जा सकता, जो पार्टी के समर्पित लोग होंगे वही नहीं को आजीवन सदस्य बनाया जाएगा। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हम लोग आजीवन सदस्य नहीं बना रहे, और रहा कि संगठन में आज सदस्यता का, उस पर हम लोगों का बहुत बड़ा टारगेट है कि बिहार में कम से कम हमारे 50 लाख सदस्य बने, उसके लिए हम लोग कैंपिंग आने वाले समय में चाहते हैं। मुकेश सहनी क्या उपचुनाव के लिए भी तैयार है, उपचुनाव भी लड़ेंगे क्या मुकेश सहनी की पार्टी? निश्चित तौर पर महागठबंधन बिहार में उपचुनाव होने वाला है, 5 जगह विधानसभा, 1 जगह लोकसभा, महागठबंधन वहाँ पे चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन मतलब मुकेश सहनी, तेजस्वी जी, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र जी मांझी जी, कांग्रेस पार्टी, ये सब होगा गठबंधन सिर्फ, और सब मिल अपने शक्ति से हम लोग उपचुनाव लड़ेंगे, और सिंबल उस समय में हम डिसाइड कर लेंगे किस जगह पे किस पार्टी का सिंबल होगा।